दोस्तों, मैं जगदीप सिंह आपका स्वागत करता हूं ग्रो यूट्यूब चैनल में। आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत स्पेशल है और आप सबके लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव भी होने वाली है, क्योंकि बहुत से लोग हमसे बहुत बार क्वेश्चन करते हैं और पूछते हैं कि ग्रो हमें कैसे चार्जेस लगाता है और कौन कौन सा चार्ज हमें चार्ज किया जाता है। तो आज की वीडियो में आपको बहुत डिटेल में बताऊंगा कि अगर आप ग्रो प्लेटफॉर्म यूज करते हैं इन्वेस्टिंग के लिए, स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करने के लिए, ट्रेडिंग करने के लिए, तो आपको कौन कौन से चार्जेस लगते हैं, और कहीं ना कहीं उसको कंपेयर करके भी समझाऊंगा। और ये पूरी वीडियो को काफी ट्रांसपेरेंट रखा जाएगा ताकि आपके तक एक सही इन्फॉर्मेशन पहुंच सके। चलिए, कम टाइम लेते हुए मैं जल्दी से स्टार्ट करता हूं आज की वीडियो। दोस्तों, सबसे पहले मैं बात करता हूं अकाउंट ओपनिंग चार्जेस की। अगर आप कहीं पे भी जाके स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करने के लिए अपना ट्रेडिंग अकाउंट खुलवाते हैं तो उसके लिए आपको अकाउंट ओपनिंग चार्ज किया जाता है। अगर मैं इंडस्ट्री की बात करूं तो कई जगह पे आपको 200 रुपये और 300 रुपये भी देने पड़ते हैं, लेकिन सबसे पहले अगर हम ग्रो की बात करें तो ग्रो पे अकाउंट ओपनिंग चार्ज 0 है, यानी कि आपको अकाउंट खोलने के लिए, अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी, ट्रेडिंग जर्नी स्टार्ट करने के लिए कोई भी चार्जेस नहीं देने पड़ते। सेकेंड नंबर पे आता है AMC चार्ज, जिसकी फुल फॉर्म होती है अकाउंट मेंटेनेंस चार्ज। अगर मैं इंडस्ट्री की बात करूं तो बहुत जगह पे जाके आपको अकाउंट मेंटेनेंस चार्ज भी देना पड़ता है, जहां पे आपको एक फिक्स अमाउंट देनी पड़ेगी हर साल, चाहे आप उस अकाउंट को यूज करें या चाहे आप उस अकाउंट को यूज ना करें। उसके लिए कई बार आपको 200 रुपये, 300 रुपये या 400 रुपये तक भी पे करना पड़ता है। अगर आप अपने अकाउंट को यूज नहीं भी करते तो भी आपको ये चार्ज देना पड़ेगा। अब सबसे पहले जो फ्रिक्शन था आपके इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करने का, जो भी फिक्स चार्जेस थे, वो आपको ग्रो के ऊपर नहीं देने पड़ते। यानी कि आप अकाउंट ओपन कीजिए, आप कोई भी चार्ज नहीं देंगे। उसके बाद अगर आपने कोई स्टॉक खरीद के अपने डीमैट अकाउंट में रखा है और आपने 2 साल तक कोई भी ट्रांजेक्शन नहीं किया, चाहे आपने 5 लाख के स्टॉक अपने डीमैट अकाउंट में रखे हैं, चाहे आपने 10 लाख के रखे हैं, चाहे आपने 1 करोड़ के स्टॉक्स रखे हैं, अगर आपने कोई ट्रांजेक्शन नहीं किया तो आपको कोई भी अकाउंट मेंटेनेंस चार्ज नहीं किया जाएगा, यानी कि कोई भी फिक्स लायबिलिटी यहां पे नहीं होती है। दोस्तों, उसके बाद क्वेश्चन आता है कि कौन सा चार्ज है जो ग्रो पे चार्ज किया जाता है। तो तीसरे नंबर पे आता है कि आपको ब्रोकरेज पे करना पड़ता है जब भी आप यहाँ पे कोई भी ऑर्डर प्लेस करते हैं। तो अब मान लीजिए कि यहाँ पे आके आपने एक ऑर्डर प्लेस किया, तो उस ऑर्डर के ऊपर आपको मैक्सिमम 20 रुपीज तक ब्रोकरेज लग सकता है। तो यहाँ पे जो ब्रोकरेज चार्ज किया जाता है वो 20 रुपीज और 0.05% जो भी मिनिमम होता है वो चार्ज किया जाता है। यानी कि किसी भी केस में आपको 20 रुपए से ज्यादा ब्रोकरेज नहीं लगेगा एक ऑर्डर के ऊपर। अब दोस्तों, इसको थोड़ा मैं डिटेल में आपको समझाने का ट्राई करता हूं कि मान लीजिए आपने 10,000 का एक ऑर्डर डाला, आपने 10,000 का एक स्टॉक खरीदा, तो 10,000 के ऑर्डर के ऊपर आपको 0.05% यानी कि 5 रुपए चार्ज होगा, यहां पे आपको 20 रुपए चार्ज नहीं होगा। वैसे ही अगर आपने 20,000 के टर्नओवर का ऑर्डर डाला तो आपको 0.05% यानी कि 10 रुपए का ब्रोकरेज चार्ज होगा। अब मान लीजिए कि आपने 40,000 रुपए का ऑर्डर डाला तो आपको 40 × 0.05% यानी कि 20 रुपीज का ब्रोकरेज चार्ज किया जाएगा। अब मान लीजिए कि आपने 5 लाख रुपए का एक ऑर्डर डाला तो आपको यहां पे 20 रुपीज ही चार्ज किए जाएंगे। तो यानी कि आपको मिनिमम ऑफ 20 और 0.05% चार्ज होगा किसी भी ऑर्डर वैल्यू के ऊपर। तो यहाँ पे बहुत से लोगों के माइंड में एक मिसकंसेप्शन आता है कि मुझे शाम को जो मेरा कॉन्ट्रैक्ट नोट आया उसके अंदर मेरा 40 रुपीज का ब्रोकरेज क्यों लगा हुआ था, आपने तो बोला था कि आपको 20 रुपीज ही चार्ज होगा। तो दोस्तों, ये जो 20 और 0.05% का चार्जेस होता है वो एवरी ऑर्डर के ऊपर होता है। अब मान लीजिए आपने एक ऑर्डर प्लेस किया 40,000 का, तो उसके ऊपर आपको 20 रुपीज ब्रोकरेज लगा। अब यहाँ पे दोस्तों, अगर आपने एक और ऑर्डर प्लेस किया 40,000 रुपीज का, तो आपको उसके ऊपर 20 रुपीज फिर से चार्ज होंगे। तो यानी कि कॉन्ट्रैक्ट नोट के ऊपर आपको क्यूमुलेटिव वैल्यू दिखाई जाती है ब्रोकरेज की, जो आपको पूरे दिन के लिए चार्ज हुई, वो पर ऑर्डर नहीं होता। तो दोस्तों, यहाँ पे अगर मैं इंडस्ट्री की बात भी करूं तो ये चार्जेस काफी कंपेरेबल हैं, वहां पे भी इसी अमाउंट के अंदर ही आपको चार्ज किया जाता है। दोस्तों, इसके बाद बात आती है फ्यूचर एंड ऑप्शंस की, कि मान लीजिए मैं तो एक ट्रेडर हूं, अगर मैं फ्यूचर एंड ऑप्शंस के अंदर जाके ऑप्शंस या फ्यूचर्स को बाय करूंगा तो मुझे कितना चार्ज किया जाएगा। तो दोस्तों, ऑप्शंस के अंदर या फ्यूचर्स के अंदर आपको एक ऑर्डर के ऊपर फ्लैट 20 रुपीज चार्ज किया जाता है। मान लीजिए कि आज के दिन के अंदर आपने 4 ऑर्डर प्लेस किए तो आपको 20 × 4 80 रुपीज का ब्रोकरेज लगेगा। तो आप बहुत इजिली समझ सकते हैं कि हर सक्सेसफुल ऑर्डर के ऊपर आपको 20 रुपीज का चार्जेस लगाया जाता है। और यहां पे एक ऑर्डर के अंदर आप कितने भी लॉट्स डाल सकते हैं, उसके ऊपर आपको चार्जेस नहीं लगेगा, बल्कि ये चार्ज आपको एक ऑर्डर के ऊपर लगेगा जिसके अंदर आप मल्टीपल लॉट्स में भी ट्रेडिंग कर सकते हैं।
तो दोस्तों इन सब चार्जेस के बाद अब मैं बात करना चाहूंगा डीपी चार्जेस का, जिसका नाम होता है डेपोजिटरी पार्टिसिपेंट चार्जेस। आपने बहुत बार अगर आप ग्रो पे स्टॉक सेल करते हैं तो आपको इवनिंग में एक एंट्री दिखता होगा डेपोजिटरी पार्टिसिपेंट नाम से, और वो आपको चार्ज किया जाता है। अब ये डेपोजिटरी पार्टिसिपेंट चार्जेस क्या होते हैं और ये क्यों चार्ज किए जाते हैं? तो दोस्तों आपको पता होगा कि आप जब भी किसी एक स्टॉक को खरीदते हैं, मान लीजिए आपने एक स्टॉक ए का 100 क्वांटिटी खरीदा, तो वो 100 क्वांटिटी आपके डीमैट अकाउंट के अंदर चला जाता है, यानी कि आपके डीमैट अकाउंट के अंदर सेफ हो जाता है। तो जब भी आप उस स्टॉक को बेचते हैं तो ब्रोकर आपके ऑथेंटिकेशन पे, आपके अप्रूवल पे उन स्टॉक्स को आपके डीमैट अकाउंट से निकालता है और एक्सचेंज को डिलीवर कर देता है। जब इन स्टॉक्स को आपके डीमैट अकाउंट से डेबिट किया जाता है तो उसके ऊपर हमें एक चार्ज इंकर होता है, जिसकी वजह से आपको डीपी चार्जेस चार्ज किए जाते हैं। अगर मैं ग्रो पे डीपी चार्जेस की बात करूं तो आपको 13.5 रुपीज चार्ज किए जाते हैं। अब यहां पे सेकंड क्वेश्चन ये आता है कि क्या मुझे हर सेल ट्रांजैक्शन के ऊपर ये चार्जेस लगाए जाते हैं या नहीं? तो दोस्तों यहाँ पे मैं क्लैरिफाई कर देता हूँ। अगर आपने आज एक मॉर्निंग में एक स्टॉक को बाय किया और उस स्टॉक को आपने शाम को सेल कर दिया, यानी कि सेम डे पे, तो आपको यहाँ पे डीपी चार्जेस नहीं लगेगा। अब मान लीजिए कि मेरे डीमैट अकाउंट के अंदर 100 स्टॉक्स थे और मॉर्निंग में जाके मैंने 100 स्टॉक में से 10 स्टॉक्स को बेच दिया, और आफ्टरनून में 12 बजे मैंने वापस से और 10 स्टॉक्स को बेच दिया, और शाम को 3 बजे मैंने और 10 स्टॉक्स को बेच दिया, तो क्यूमुलेटिव मैंने 30 स्टॉक्स को सेल किया 3 ट्रांजैक्शन में। तो यहां पे आपने एक कंपनी के स्टॉक को 3 बार सेल किया है, तो शाम को आपका डेपोजिटरी पार्टिसिपेंट यानी कि ग्रो एक बार ही वहां से डेबिट करेगा, यानी कि अगर आप किसी भी स्टॉक को आपके डीमैट अकाउंट से कितनी बार भी एक दिन के अंदर बेचते हैं तो आपको डेपोजिटरी पार्टिसिपेंट चार्जेस सिर्फ एक बार चार्ज होता है। अब यहाँ पे कंफ्यूजन और मैं दूर कर देता हूँ कि मान लीजिए कि आपने कंपनी ए के आज 10 स्टॉक्स बेचे और कंपनी बी के 20 स्टॉक बेचे, यानी कि आपने दो कंपनीज के स्टॉक्स को बेचा, तो यहाँ पे आपको 2 बार डीपी चार्जेस चार्ज होगा। तो डीपी चार्जेस की जब भी बात की जाती है, ये आपको पर कंपनी पर डे चार्ज किया जाता है, यानी कि अगर आपने एक कंपनी के कितनी बार भी स्टॉक सेल किए तो सिर्फ एक बार ही चार्ज किया जाएगा। तो दोस्तों ये सब चार्जेस थे जो ग्रो आपको चार्ज करता है, लेकिन इसके अलावा भी और चार्जेस होते हैं जो कुछ तो गवर्नमेंट को पे किए जाते हैं, कुछ एक्सचेंजेस आपको चार्ज करते हैं और कुछ सेबी चार्ज करती है, और यहाँ पे एक स्टैंप ड्यूटी भी होती है, जिसको डिटेल में समझाने के लिए मैं आपको अपनी स्क्रीन के ऊपर लेके चलता हूँ। तो जैसे कि आप मेरी स्क्रीन पे देख सकते हैं, ये स्क्रीन का लिंक है grow.in/pricing, जहाँ पे सब चार्जेस के बारे में बात की गई है जो आपको एज अ कस्टमर चार्ज किए जाते हैं। ये ऊपर वाले सभी चार्जेस के बारे में मैंने आपको समझा दिया था। अब मैं बात करता हूँ STT की, सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स। सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को पे किया जाता है, और ये हर तरह की ट्रांजैक्शन पे अलग परसेंटेज में चार्ज किया जाता है। इक्विटी के अंदर अगर आप इंट्राडे ट्रेड करेंगे तो आपको 0.025%, डिलीवरी में 0.1%, फ्यूचर एंड ऑप्शंस में अलग तरीके से चार्ज किया जाता है, ऑप्शंस में 0.05% ऑन प्रीमियम, और फ्यूचर्स के अंदर 0.01% चार्ज किया जाता है। तो जब भी आप अपना कॉन्ट्रैक्ट नोट देखते हैं तो वहां पे आपको देखने में मिलेगा STT चार्जेस। तो STT चार्जेस ब्रोकर आपसे डिडक्ट करता है, लेकिन ब्रोकर का ये इनकम नहीं होता, ये चार्जेस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को पे किए जाते हैं। दोस्तों दूसरे नंबर पे आता है स्टैंप ड्यूटी, जो कि स्टेट टू स्टेट वेरी करती है। थर्ड नंबर पे आता है एक्सचेंज ट्रांजेक्शन चार्ज। तो एक्सचेंज ट्रांजेक्शन चार्ज आपको एक्सचेंज चार्ज करता है, यानी कि NSE और BSE। अगर आप NSE पे ट्रेड मारेंगे इंट्राडे या डिलीवरी के अंदर तो आपको 0.00345%, और अगर आप फ्यूचर एंड ऑप्शंस की बात करें तो वहां पे ऑप्शंस के अंदर 0.053% और फ्यूचर्स के अंदर 0.002%। तो यहां पे ये एक्सचेंज चार्जेस होते हैं जो ब्रोकर आपसे डिडक्ट करके एक्सचेंज को पे करता है। एंड में यहाँ पे बात करते हैं सेबी टर्नओवर चार्जेस की। तो सेबी टर्नओवर चार्जेस आपको चार्ज किए जाते हैं, और ये एक सेबी की फीस होती है जो कि सेबी को पे किया जाता है। दोस्तों इसके बाद मैं बात करता हूँ कुछ पेनल्टीज के बारे में। तो यहाँ पे एक ऑटो स्क्योर ऑफ चार्जेस भी होते हैं जो आपको चार्ज किए जाते हैं। अब मान लीजिए कि आपने दिन में एक इंट्राडे पोजिशन बनाया था, और इंट्राडे पोजिशन में पता है कि आपको लेवरेज मिलता है, आपको मार्जिन बेनिफिट मिलता है up to 5x, यानी कि अगर किसी स्टॉक में 5x का लेवरेज अलाउड है तो आप 500 रुपए के स्टॉक को 100 रुपए में भी खरीद सकते हो, लेकिन आपको अपनी पोजीशन को शाम को स्क्वायर ऑफ करना पड़ेगा। अब मान लीजिए कि आपने अपनी पोजीशन को स्क्वायर ऑफ नहीं किया, और 320 के बाद ग्रो का रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम उसको स्क्वायर ऑफ करता है, तो उसके लिए आपको 50 रुपीज चार्ज किए जाते हैं। दोस्तों ये चार्जेस चार्ज करने के पीछे एक बहुत जेन्युइन रीजन होता है। अब मान लीजिए कि अगर आप अपनी पोजीशन को स्क्वायर ऑफ नहीं करेंगे 325 पे, और ग्रो भी आपकी पोजीशन को स्क्वायर ऑफ नहीं करता, और रात को कोई न्यूज आने के बाद अगले दिन मार्केट बहुत नीचे जाके खुलता है, तो आपको बहुत बड़ा नुकसान भी हो सकता है।
तो यहाँ पे जो ऑटो स्क्योर ऑफ चार्जेस होते हैं, क्योंकि आपने इंट्राडे पोजीशन लिया था ज्यादा लेवरेज के साथ, ज्यादा मार्जिन के साथ, यानी कि आपने बहुत ज्यादा रिस्क लिया था और आपको वो पोजीशन काटनी थी। अगर आपने नहीं काटी तो आरएमएस उसको काटने के आपको पैसे चार्ज करता है, जो कि 50 रुपीज होते हैं। तो इसको अवॉइड करने के लिए आप अपनी पोजिशन को 320 से पहले कभी भी स्क्योर ऑफ कर सकते हैं, उस केस में ये चार्ज आपको कभी भी नहीं लगेगा। तो दोस्तों, अभी तक मैंने आपको सभी चार्जेस के बारे में समझा दिया। अब मैं आपको समझाना चाहता हूं कि इन चार्जेस के पीछे क्या एक सिंपल लॉजिक है, क्यों आपको यहां पे कोई भी हिडन चार्जेस चार्ज नहीं किया जाता है ग्रो के ऊपर। अब दोस्तों, मान लीजिए बहुत से नए इन्वेस्टर आते हैं इस पूरी इंडस्ट्री के अंदर, और जब नए इन्वेस्टर्स आते हैं उनको अपना डीमैट अकाउंट पहली बार खुलवाना पड़ता है, और पहली बार डीमैट अकाउंट खुलवाने के लिए आपको 300 रुपये पे करने पड़ते हैं, 400 रुपये पे करने पड़ते हैं, जहां से ग्रो ने उस हर्डल को पूरे तरीके से रिमूव कर दिया ताकि हम इन्वेस्टमेंट जर्नी को सिंपल बना सकें, कन्वीनियंट बना सके, जिसके लिए आपका अकाउंट खोलना बिल्कुल फ्री हो जाता है, यानी कि आप फ्री में अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं। इसके बाद अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, आप आज से 10 साल के लिए इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, क्योंकि इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स को रिस्की माना गया है, जिसके लिए हमेशा सजेस्ट भी किया जाता है कि आपको लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। अब अगर आप 10 साल के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं, 5 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट करते हैं, मान लीजिए 5 ऑर्डर्स के अंदर, तो 5 ऑर्डर्स का आपको 20 रुपीज हर जगह ही पे करना पड़ेगा, लेकिन उसके बाद अगले 5 साल तक अपनी इन्वेस्टमेंट को रखने के लिए 300 × 5 यानी कि 1500 रुपए अगले आपको 5 साल के अंदर पे करने पड़ेंगे, उसके ऊपर GST भी चार्ज होगा। लेकिन अगर आप ग्रो के ऊपर 5 लाख के स्टॉक्स को खरीदते हैं, अगले 5 साल तक रखते हैं, तो आपको सिर्फ ऑर्डर प्लेस करने के चार्जेस लगेंगे। उसके बाद अगले 5 या 10 साल, चाहे 15 या 20 साल तक आप उन स्टॉक्स को रखें, उसके लिए आपको कोई भी अकाउंट मेंटेनेंस चार्ज नहीं देना पड़ेगा। यानी कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए, नए इन्वेस्टर्स के लिए काफी ज्यादा कन्वीनियंट है ये चार्जिंग मॉडल। इसके अलावा दोस्तों, बोला जाता है कि सेल के टाइम पे आपको DP चार्जेस चार्ज किया जाता है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि उसके लिए हमें कॉस्ट इंकर करते हैं, जिसकी वजह से आपको वो चार्ज लगाया जाता है। और अगर आप अपने 5 लाख के इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स को 5 साल तक रखते हैं, तो सेल करते टाइम ये एक बहुत छोटा सा अमाउंट होगा जो आपको पे करना पड़ेगा। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आज की वीडियो आपको काफी लर्निंग दी होगी। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके बताएं कि आपके मन में और क्या क्या क्वेश्चन है चार्जेस को लेके, हम उनको क्लियर करने का ट्राई करेंगे। लेकिन फिर से मैं एम्फोसाइज करना चाहूंगा, ग्रो एक बहुत ही ट्रांसपेरेंट प्लेटफॉर्म है, जहां पे आके आप अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी को स्टार्ट कर सकते हैं। यहां पे अकाउंट ओपनिंग फीस अभी 0 है और AMC भी आपको नहीं चार्ज किया जाता। अगर आप यूज करेंगे तो आपको पे करना पड़ेगा, अगर आप यूज नहीं करेंगे तो आपको कुछ भी पे नहीं करना पड़ेगा। अगर आपने अभी तक ग्रो के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से ग्रो के चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आप हमारी किसी भी इंपॉर्टेंट और अच्छी वीडियो को मिस ना करें। हैप्पी इन्वेस्टिंग। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Please read the risk disclosure documents carefully before investing in equity shares, derivatives, mutual fund, and or other instruments traded on the stock exchanges.